ट्रेलर में ये यशपाल अदा करैक्टर यशपाल शर्मा करैक्टर ये बोलता है कि इंडियन मॉइस्ट बोको हराम और आईएसआईएस के बाद तीसरा सबसे खतरनाक यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है अच्छा हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने की रिपोर्ट है हाँ। उन्होंने 10 द द मोस्ट डेंजरस आतंकवादी संगठन की लिस्ट निकाले थे जिसमें लश्कर-ए-तैयबा भी है जिसमें पहले पहले वाला लिस्ट में पीएफआई भी थे जो इंडिया ना अभी बैन है इस मोमेंट पे जो तीन है फर्स्ट आईसीस ये, उसके ये कब की रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट अच्छा। है 2022-23 में सिमिलर रिपोर्ट हाँ। है हाँ,

जो आप लोग जो फिल्म बना रहे हैं जो केरला स्टोरी बनाई है ये बनाई इसमें सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं ऐसा भी लगता है 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 क्राइम 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 का पक्ष विपक्ष क्या होता है? Crime, crime है। नहीं मतलब दूसरा पक्ष क्या हो सकता है हाँ। क्या, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि दूसरा पक्ष क्या होता है आप एक एक एक्सपोजर कर रहे हो कि कैसे एक मैनिपुलेटिव कन्वर्जन करके लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें क्या होता है दूसरा पक्ष कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम कोई एक आध अच्छा मुस्लिम कैरेक्टर उसमें दिखा देते तो मैंने कहा कि आप उन तीन लड़कियों से पूछिए कि क्या उनके उस जिंदगी के उस दौर में क्या कोई एक अच्छा मुसलमान उनकी जिंदगी में आया उन्हें बचाने नहीं आया तो मैं कैसे एक उन लड़कियों के पेन को कम कर दूं और एक 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 कोई लॉजिक नहीं है वैसा एक अच्छा मुसलमान कैरेक्टर दिखा दो नहीं हमें आच, अच्छे मुसलमान कैरेक्टर दिखा है ये जब शालिनी उन्नी कृष्णन अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहे थे अकेली एक मुसलमान लड़की उसको एटलीस्ट कॉम्पैशन शो किया था फिल्म में जो फिल्म में जो, फिल्में जो आ, इसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लड़की डेफिनेटली हेल्प किए थे और मुस्लिम लड़की एटलीस्ट uh, उसकी माँ से फोन पे बात करवाए थे hmm. वो भी एक, मतलब एक, एक hmm. hmm. हिंदू विलन है hmm. Hmm. दो फिल्में हैं उसमें मुस्लिम विलन है। hmm. एक केरला स्टोरी में हमने तो धर्म देख के नहीं विलन बनाया कहानी की जो रिक्वायरमेंट थी वैसे विलन बनाया लेकिन मेरी अठारह फिल्मों में हिंदू विलन है तब तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम हिंदुओं के अगेंस्ट हो हिंदू विरोधी है हाँ मैंने जैसे नमस्ते लंदन बनाई थी उसमें एक कैरेक्टर है लंदन में जो एक मुस्लिम लड़का रहता है उसको एक गोरी लड़की बोलती है शादी करनी है तो कन्वर्ट हो जाओ और वो कन्वर्ट नहीं होता ये कहानी मैंने दिखाई तब लोग बोलते थे कि मैं बड़ा सेक्युलर आदमी हूँ और मैंने कितना अच्छा एक यूनिटी का एग्जाम्पल पेश किया है इस फिल्म में कि एक हिंदू आदमी मुस्लिम आदमी को कन्वर्जन से रोकता है वगैरह वगैरह लेकिन अब मैंने केरला स्टोरी की तो मैं एक एंटी मुस्लिम आदमी हो गया हूँ तो ये क्या है लोग ऐसे लेबल लगा के खुश होके निकल जाते